नंबर 24 न्यूज, सच वही जो दिखेगा। चतरा के पथलगढ़ा थाना क्षेत्र में देर रात लुटेरों ने जमकर उत्पात मचाया है। देर रात 5 की संख्या में पहुंचे अज्ञात लुटेरों ने नावाडी पावर सब स्टेशन के नाइट गार्ड को बंधक बनाकर पावर ट्रांसफार्मर का कॉइल समेत करीब 8.5 लाख रुपए का विद्युत उपकरण लूट लिया। इतना ही नहीं, लुटेरे आराम से घटना को अंजाम देने के बाद गाड़ी पर सामान लाद कर चलते बने, जिसके बाद घटना की जानकारी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के कर्मियों ने पथलगढ़ा थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। आपूर्ति प्रमंडल कर्मियों के अनुसार देर रात करीब 12 बजे 5 नकाबपोश लुटेरे पावर सब स्टेशन पहुंचे, जिसके बाद मेन गेट का दरवाजा तोड़कर सभी अंदर घुसे और मौके पर मौजूद नाइट गार्ड को बंधक बनाकर उसका मोबाइल छीन लिया, जिसके बाद आराम से पावर ट्रांसफार्मर को गैस कटर से काट कर उसका कॉइल लूटने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके, जिसके बाद ट्रांसफार्मर को मौके पर क्षतिग्रस्त कर उसका तेल बहा दिया। उसके बाद सब स्टेशन में रखा बैटरी व अन्य विद्युत उपकरण लूट लिए। इस बाबत आपूर्ति प्रमंडल के जेई ने थाना के करीब 8.5 लाख रुपए का सामान की चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई है। जेई ने FIR में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य में लगे कार्य एजेंसी के सामान भी लूटने की सूचना थाना को दिया है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले के अनुसंधान कर लुटेरों को धरपकड़ में जुट गई है। हम रात में ड्यूटी में थे, यहाँ सोए हुए थे, अचानक उधर से 4-5 आदमी आया और मेरा हाथ बांध दिया, मोबाइल मेरा ले लिया, उसके बाद मेरा तौलिया फाड़ के और जो है से मेरा पैर को बांध दिया। पैर बांधने के बाद जो है से उधर अपना लूटपाट करने लगा, चोरी उरी करने लगा। तो यहाँ से मुख्य रूप से बैटरी था, सो बैटरी ले गया है और कंपनी का, अगर एग्रीकल्चर कंपनी का बैटरी आया हुआ था सुनते हैं, सो भी उधर से ले जाया है, बाहर से ठेकेदार का सामान था। यहाँ मेरा सामान रखा हुआ था, मैं कॉन्ट्रेक्टर हूँ NCC का और सब यहाँ से रात में चोरी हो गया है, यहाँ के कार्ड को बांध भी दिया है। चतरा से साफ फहद अली की रिपोर्ट।